सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड फाइनली आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। एंड गाइज, यहाँ पर सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में एक छोटा सा आईफोन है, जो कि आईफोन में सबसे पुराना ओल्ड डिवाइस रहने वाला है, पुराना आईफोन। और इससे पुराना डिवाइस आप लोगों को शायद ही कहीं को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आईफोन 5S के बाद जो डिवाइस आया था, आईफोन एसी फर्स्ट जनरेशन 2016 में जो कि लॉन्च हुआ था, वो वाला डिवाइस है। और ये मेरा फर्स्ट डिवाइस भी है जिसमें मैंने पबजी मोबाइल खेलना स्टार्ट किया था, और इसी से मैंने अपना यूट्यूब करियर भी स्टार्ट किया है। एंड गाइस, जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको तो भाई क्लियरली पता होगा कि मैं इसी डिवाइस में खेलता था, और इस डिवाइस का मैं हैंड कैम वीडियो भी शूट करके अपलोड करता था, और उसी के साथ साथ गेम प्ले वीडियोस भी मैं डेली अपलोड करता था। मगर देखो, जैसे ही अपन ने आईपैड परचेस किया, उसके बाद से मैंने इस डिवाइस में बिल्कुल भी गेमिंग नहीं किया। मैंने एकदम से इसमें गेम खेलना छोड़ दिया, क्योंकि भाई आप लोग डिवाइस का डिफरेंसेस देख सकते हो, ये 4 इंच का डिवाइस है और ये 8 इंच का आईपैड रहने वाला है। तो यहाँ पर देखो, दोनों डिवाइस में खेलना तो भाई मतलब बेवकूफ़ी है। इस पुराने डिवाइस में मैं नहीं खेल पाऊंगा, भले ही इस डिवाइस से काफ़ी सारी यादें जुड़ी है, इसीलिए मैं इस डिवाइस को अभी तक संभाल कर रखा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से, और अभी भी इस डिवाइस को मैं यूज़ करता हूँ। हालांकि मैं इसमें अब BGMI नहीं खेल पाता, मगर यहाँ पर देखो अभी 2024 में हम लोग वापस से इसमें BGMI टेस्ट करने वाले हैं, और देखने वाले हैं इसमें अब कैसा गेम चलने वाला है। तो यहाँ पर देखो, अपन ने BGMI स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं अभी थोड़ी देर में गेम ओपन हो जाएगा। एंड गाइस, पर्सनली बताऊँ ना तो इस डिवाइस को मेरे को यूज़ करते हुए 5 साल हो चुके हैं, और अब भी इसमें भाई BGMI ओपन हो रहा है। काफ़ी शॉकिंग चीज़ ये रहने वाली है। और आईपैड मिनी 5 के साथ साथ ही इसने गेम लोड कर लिया, 1-2 सेकेंड का ही डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं गेम प्ले तो नहीं कर सकता इसमें, मतलब गेम नहीं खेल सकता क्लासिक मैच या फिर TDM, क्योंकि मेरे को कंट्रोल सेट करना पड़ेगा। मगर देखो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके चेक करते हैं इसमें कि जायरो वगैरह कैसा चल रहा है, हीटिंग होता है या फिर नहीं होता, और अपने को FPS कितना मिलने वाला है इस डिवाइस में, और ग्राफिक सेटिंग्स इसके क्या क्या रहने वाले हैं। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को आईपैड मिनी 5 का तो पता ही है, मगर फिर भी मैं इस डिवाइस का भी ग्राफिक सेटिंग्स, FPS वगैरह सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को वॉच करना एंड तक। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड यहाँ पर अपना गेम स्टार्ट हो चुका है, मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड ओपन हो चुका है। और भाई लिटरली काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है मेरे को ये डिवाइस, क्योंकि मैं अभी जो रिसेंट आईपैड में खेलता हूँ वो 8 इंच का रहने वाला है। और यहाँ पे देखो, इस डिवाइस की डिस्प्ले की बात की जाए तो 4 इंच का डिस्प्ले रहने वाला है। एंड इस डिवाइस में प्रोसेसर जो मिलता है वो A9 चिपसेट है, और जैसा कि आप सभी को पता है ये डिवाइस पुराना हो चुका है, उस हिसाब से आप लोगों को प्रोसेसर भी उस हिसाब से देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाला डिवाइस 8 साल पुराना हो चुका है, क्योंकि ये 2016 में लॉन्च हुआ था, और अभी रिसेंट की बात की जाए तो 2024 चल रहा है। और इस डिवाइस को मैंने 2018 में परचेस किया था, तो मेरे को इस डिवाइस को यूज़ करते हुए 5 साल हो चुके हैं, और अब भी इस डिवाइस को मैं यूज़ करता हूँ प्रॉपर तरीके से, बस इसमें मैं गेम नहीं खेलता। बाकी यहाँ पर BGMI के ग्राफिक सेटिंग्स देखा जाए तो यहाँ पर आप लोगों को स्मूथ में हाई तक का सपोर्ट मिल जाएगा, और अगर बैलेंस्ड एंड HD पे आप लोग स्विच करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर भी हाई तक का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। मतलब आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर 30 FPS बाय डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स में आप लोगों को FPS मिलने वाले हैं। मगर मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं ना, ओल्ड सब्सक्राइबर्स, उनको पता होगा कि भाई जब मैं BGMI खेलता था ना इस डिवाइस में, पबजी मोबाइल खेलता था, तब इस डिवाइस में मैं 60 FPS अनेबल कर लेता था कॉन्फ़िग वगैरह यूज़ करके, जो कि लीगल तरीके से मैं करता था, जो PC वगैरह से यूज़ करके करता था। और मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता होगा क्योंकि एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत। मगर अभी रिसेंट के BGMI अपडेट में मेरे को पता नहीं कि भाई वो वाला ट्रिक यूज़ होगा या फिर नहीं होगा। और काफ़ी सारे बंदे मेरे को ये भी बोलेंगे कि भाई ये डिवाइस 30 FPS सपोर्ट करता है, तो 60 FPS इसमें कैसे एनेबल होगा। तो देखो, यहाँ इसका एक्चुअल जो डिस्प्ले है ना, वो 60 FPS सपोर्ट करता है, मगर BGMI में जो ग्राफिक सेटिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं वो 30 FPS का ही है। तो यहाँ पर जो कॉन्फिग वगैरह मैं यूज़ करके इसमें 60 FPS अनेबल करता हूँ ना, तो प्रॉपर मेरे को 60 FPS यहाँ पर अपने को BGMI के अंदर मिल जाता है, और फुल्ली लीगली तरीके से मिलता है, जिसमें ID भी बैन नहीं होती। तो अगर देखो, अगर आप लोग इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा स्पैम कर दिए ना उस चीज़ के लिए कि मतलब भाई वापस से कॉन्फ़िग लाओ और हमें चेक करके बताओ कि भाई वापस से 60 FPS अनेबल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वापस मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो बना कर लाऊंगा और चेक करूंगा कि भाई वो वाला कॉन्फ़िग जो है अब इस रिसेंट के BGMI के अपडेट में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उस हिसाब से हम वापस से उसके लिए प्रॉपर एक नई वीडियो बना कर लाएंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर से लिख देना कि भाई न्यू कॉन्फ़िग वीडियो चाहिए, उस हिसाब से भाई जितना ज़्यादा मतलब अच्छा रिस्पांस मिलेगा ना, उस हिसाब से मैं उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना कर लाऊँगा। नहीं तो भाई मेहनत करने का कुछ मतलब नहीं है अगर उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है। तो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर से बताना अगर आप लोगों को इस डिवाइस के लिए कॉन्फ़िग चाहिए 60 FPS वाला। बाकी देखो, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मेरे को जरूर से बताना। एंड आईपैड के बारे में अगर पूछोगे आप लोग, तो भाई आईपैड का ग्राफिक सेटिंग तो आप लोगों को बता देता हूँ।
आप लोगों को स्मूथ में प्रॉपर एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब 60 FPS का, और बैलेंस्ड में भी आप लोगों को 60 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। मगर देखो आप लोग HDR, अल्ट्रा HD, अल्ट्रा HDR, बाकी जितने ऊपर ग्राफिक्स आप लोग जाओगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों को अल्ट्रा तक का ही सपोर्ट देखने को मिलने वाला है अपने iPad mini 5 में। बाकी यहाँ पर थोड़ा हैंड कैम आप लोग देख सकते हो iPhone SE का। एंड गाइस पर्सनली बताऊँ ना तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा डिवाइस लग रहा है अब मेरे को, और मेरे को खुद पे बिलीव नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई इस डिवाइस में मैं BGMI या फिर PUBG Mobile खेल कर गेम प्ले रिकॉर्ड करता था, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो लोग मेरे को बोलते भी थे भाई कि इतने से छोटे डिवाइस में तुम कैसे खेल सकते हो और बंदे वगैरह कैसे स्पॉट कर लेता है तू। तो यहाँ पर अब मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि मैं iPad mini 5 पे खेल चुका हूँ काफ़ी दिनों तक, तो यहाँ पर ये वाला डिवाइस मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कुछ स्पॉट भी नहीं कर पा रहा हूँ इसमें मैं तो, और कुछ बटन्स भी मेरे जो थम्स वगैरह है ना इंडेक्स फिंगर वगैरह से, तो वो टच भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे साइज़ की बात की जाए तो देख ही सकते हो मेरे एक हाथ में ये पूरा डिवाइस कवर हो रहा है, तो काफ़ी छोटा डिवाइस है ये। मगर देखो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई आईफोन वालों को सैल्यूट है। तो यहाँ पर अपना यही एक्चुअल रीज़न रहने वाला है जिस वजह से अपना जो iOS डिवाइस है एंड्रॉयड डिवाइसेस से काफ़ी ज़्यादा महंगे रहने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को BGMI के लिए या फिर PUBG Mobile के लिए एक हार्डकोर गेमिंग के लिए एक अच्छा सा डिवाइस चाहिए, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई iOS डिवाइस ही परचेस करना, एंड्रॉयड डिवाइस बिल्कुल भी परचेस मत करना। अगर आपका बजट लो है तो आप लोग iOS डिवाइस का जो सेकेंड हैंड डिवाइस आता है वो भी आप लोग ढूंढ कर परचेस कर सकते हो, आप लोगों को उसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को जीता जागता उदाहरण मैंने दिखा दिया है iPhone SE जो कि 8 साल पुराना हो चुका है। तो एंड्रॉयड डिवाइस को आप लोगों को अवॉइड करना है पूरा, अगर आप लोगों को एक अच्छा गेमिंग चाहिए, मतलब एक अच्छा स्मूथ गेम प्ले चाहिए। और अगर आप लोगों को iPhone SE का 60 FPS वाला वीडियो चाहिए कि 60 FPS उसमें हम लोग कैसे एनेबल कर सकते हैं, तो कमेंट्स करके मेरे को जरूर से बताना। अगर आप लोगों के कमेंट्स में अच्छा खासा रिस्पांस आ गया तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मैं चलता हूँ किसी और नए वीडियो के साथ, मिलता हूँ, लव यू गाइज, कीप ग्राइंडिंग। ये भी लो, ये तो लो सामने वाला नॉक है, घुस के मार एक गोली दे, घुस के मार दे। इसी का एरिया में शायद से Please recall me. Excellent work. रिकॉल मारियो ऑसम बेस्टी बेस्टी क्या कर दिया लो, क्या हो गया तेरे को? Awesome. Nice. अपना प्रॉब्लम ना हो के
पता नहीं सी शोर से भोसड़े के का नहीं यार ना है चंद चंदमर भाई आजा एमटी फोर किंग भाई दिख नहीं रहा ना है इस मंडरे